हमने अपने प्रीवियस सेशंस में क्या किया था, कैट में अपना लेआउट स्टडी किया था, आर्किटेक्चर लेआउट जो हमें दिया गया था उसके ऊपर हमने डक्ट हीट लोड एनालिसिस कर लिया था, हीट लोड कितना लगेगा वो कैलकुलेशन अपने अपने एक्सेल में अपनी कर ली थी, और इसके साथ साथ हमने अपनी अपनी एक समरी शीट भी तैयार कर ली पूरी। अब हमें फ्लोर बाय फ्लोर इनकी अरेंजमेंट करनी है, डक्ट की डिज़ाइनिंग करनी है, तो इस प्रोसेस के लिए हम डक्ट डिज़ाइनर का यूज़ करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि कहाँ पे हमारा कौन सा एलिमेंट लगना चाहिए। तो मैंने एक काम किया, LAYOF ले ऑफ पर गया मैं, और जिनकी ज़रूरत नहीं है उन लेयर्स को मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया। ठीक है, ये हमारा फ्लोर प्लान आ गया। अब यहाँ पे हम कंसीडर ये करें HU की मशीन जो है वो हम यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है, और उसके बाद उसके डक्ट जाएगी हमारी, उससे सारा हमें डक्ट डिज़ाइनिंग करनी पैसेज के हिसाब से। तो मैंने आपसे कहा था पहले आप अपने एक रफ लेआउट तैयार कर लो कि कहाँ पे क्या चीज़ रखनी चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं। तो मैं पेंट पे चलता हूँ, हमारी डिवाइस कुछ यहाँ पे लगी हो रखी होगी इसके हिसाब से। अब ये डिवाइस किस कैपेसिटी की रखनी है हमें, तो उसके लिए हम यहाँ से देख लेते हैं टोटल कितना आ रहा है हमारा 4.54 और CFM 2027। तो ये हमारा AHU या FCU, यहाँ से हमारी डक्ट निकलेगी। इसके बाद हम कैड में जैसे देख सकते हैं डक्ट इसकी आगे आएगी सीधी, यहाँ से फिर क्या होगी डक्ट आपकी टूट जाएगी, एक बेडरूम में आ जाएगी आपकी, लिविंग रूम में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, फिर वही आगे जाके बेडरूम में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से एक इधर कटेगी आगे जाएगी, ये आपका बेडरूम हो गया, मास्टर बेडरूम, यहां से आपका आएगा लिविंग रूम, बेडरूम। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जनरली, इनको नेमिंग देते हैं, जैसे यहां से यहां तक की डक्ट को हमने कहा इधर से इधर जाएगी, ये डॉक्टर वहीं वाली अलग अलग साइज, अब डिजाइन करते हैं। अब आपको यहाँ पे अपना टेबल तैयार करना होगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, नहीं बी से डी, ठीक है, ओके। तो ये तो हमारी डक्ट्स हो गई। इसके बाद इनके इसमें हमें नोट करना होता है, एनोटेट करना होता है डिस्चार्ज कितना है, डिस्चार्ज किस में होगा आपका CFM में होगा, अब यहाँ पे आपको CFM में ऑप्शन है। सबसे पहले A से B तक का टोटल CFM 2027, बी से सी बेडरूम, बेडरूम के लिए कितना है 666,
से डी, बी से डी के अंदर क्या होना चाहिए, लिविंग रूम और बेडरूम दोनों का कंबाइन होना चाहिए। और यहाँ से जो डट जाएगी दोनों का ही लेके जाएगी ना, दोनों का कंबाइन कैसे निकालेंगे, एक्सेल पे चलते हैं, मास्टर बेडरूम और लिविंग रूम दोनों को सेलेक्ट कर ले, सॉरी दोनों को सेलेक्ट कर ले यहाँ से हमने, नीचे से हम आ गया 1361। और लास्ट में डी से ई, मास्टर बेडरूम ट्रिपल सर्वे। तो यहाँ से हमारा ये भी आ गया, साथी हमारी हेड लॉस। आप चाहो तो इश्रे का भी यूज ले सकते हो इसके लिए, सेक्शन टू एयर डक्ट डिजाइनिंग मटेरियल इंस्टॉलेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेसिक स्टैंडर्ड दे रखे हैं हमें, बेसिक स्टैंडर्ड क्या दे रखे हैं देखो, जैसे आप देख सकते हैं रेजिडेंशियल के लिए नॉइजिंग कंट्रोल फैक्टर दे रखा है, मेन डक्ट में एयर की स्पीड वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 600, होटल्स वगैरह में 1000 मेन डक्ट की, ऐसी ब्रांच डक्ट के लिए अलग दे रखा है ना। देन यहाँ पे और भी कुछ पैरामीटर दे रखे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, एयर टर्मिनल जो रखते हैं हमारे उनके लिए। इसके बाद नीचे यहाँ पे दे रखा है, अगर हम इक्वल फ्रिक्शन मेथड से निकाल रहे हैं और इश्रे की बुक हमारे पास है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखो डक फ्रिक्शन, डक डिजाइनिंग फ्रिक्शन चार्ट दे रखा है हमें। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ बताइए हमारा, मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ थोड़ा, यहाँ क्या आ रहा है हमारा इन पाउंड, एल पाउंड ऑफ वाटर पर 100 फीट ऑफ डक्ट। ठीक है, अब हमारा ये जो है ये आप पे क्या आ रहे हैं वेलोसिटीज। ठीक है, ये क्या है डायमीटर आ रहा है, और नीचे क्या चीज़ है सी एफ एम। अब हमारा सी एफ एम कितना है 2000 समथिंग है, 2027 एग्जैक्ट तो मिलेगा नहीं, 2000 याद आ रहा है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ देखना होगा हेड लॉस पे इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, 2000 वाले पे हेड लॉस का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है। हम हेड लॉस कितना ले रहे हैं, मैंने आपको लिखवाया था लो लो वेलोसिटी के लिए कितना लग लेते हैं, लो डक वेलोसिटी के लिए 0.08 से 0.15 तक है ना। जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होंगी यानी कि सी एफ एम बहुत ज़्यादा पहुँचेगा तो वहाँ पे हमें हेड लॉस बढ़ाना पड़ता है हाई वेलोसिटी डक्ट्स के लिए। तो हम एक नॉर्मल घर का है, कम वेलोसिटी डक्ट के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ऊपर रेंज भी दिखा दी इसकी, जैसे आप यहाँ देखेंगे इसमें रेंज दिखा रखी है रेजिडेंशियल के लिए कितनी है 600, मेन सप्लाई में 1000 है, रिटर्न में 800 है और ब्रांच में 600 वाली है ना। रेजिडेंशियल में 1000 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मैंने आपको रेंज की कैटेगरी बताई थी कि 2500 fpm से कम जिनकी होगी वो आपकी लो लो वेलोसिटी डक्ट चलाएंगी, जिसमें 2500 से ज़्यादा जाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी हाई वेलोसिटी। वो कहाँ लग रही है हमारी इंडस्ट्रीज में ही है। ठीक है, सो हमारी लो वेलोसिटी डक्ट है,
तो लो वेलोसिटी डक के लिए 0.08 हमारा फ्रिक्शन हेड लॉस होता है, 2000 पे 0.08 का इंटरसेक्शन कहीं आ रहा है। अब जहाँ पे ये आ रहा है उसकी रेस्पेक्ट में ये वाली लाइन देखिए, ये वेलोसिटीज है, ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है किसमें, अब 2000 के लिए 0.08 के लिए वेलोसिटी जो है वो यहाँ से आप देखो ये वाली लाइन आए, ये वाली लाइन से हल्का सा ऊपर है ना, ये कितनी है इससे नीचे, तो ये ऊपर कौन सी होगी, फिर 900, फिर 1000, तो ये 1000 के आसपास ही तो आ रही है। ये वाली तो इससे नीचे से हम स्टार्ट अगर करेंगे है ना, हमारी ये वाली चाहिए हमें, ये वाली डक्ट, एक दो तीन, तीसरी है 800, 900, 1000, 1000 के आसपास आ रही है ना। अब 1000 पे यहाँ पे इसका ये वाला इंटरसेक्शन भी जा रहा होगा कुछ ना कुछ, ये जो इंटरसेक्शन है ये आपके डक के डायमीटर होते हैं, इक्विवेलेंट डक डायमीटर, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं कितना जा रहा है, यहाँ डक डायमीटर दे रखे हमें, रीड करिए जरा यहाँ पे कितना जा रहा है, 2000 पे कितना आ रहा है। हेलो, यहाँ पे देखो 2000 पे यहाँ से इसके पास में तो कौन सी लाइन जा रही है, ये वाली जा रही है ना, ये वाली जा रही है, ये कितनी है, 18, 1.8 नहीं 18 इंचेस, 18 इंचेस की डक्ट की वैल्यू है, डक्ट डायमीटर, हाँ 1.5 फीट की डक्ट है। तो इस तरीके से चार्ट से भी निकाल सकते हैं, बट हम चार्ट से नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे डक्टोलेटर का यूज़ करेंगे। यहाँ से पैरामीटर सेटअप किया 75 पे, फ्लो रेट यहाँ पे CFM की वैल्यू लिखनी है, टोटल पहला कितना है 2027, नेक्स्ट क्या लिखना है हमने हेड लॉस कितना लेना है 0.08। जैसे हम यहाँ पे गए आप देखो आपके वेलोसिटी अपने आप आ गई, हेड लॉस कितना है हमारा सबके लिए यही रहेगा, हेड लॉस इक्वल फ्रिक्शन हेड लॉस है, हम इक्वल फ्रिक्शन मेथड को कंसीडर कर रहे हैं, तो इक्वल फ्रिक्शन मेथड क्या कर रहा है, हेड लॉस इक्वल है, उसके हिसाब से हेड लॉस इक्वल ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगी हमारी वेलोसिटी, वेलोसिटी किस में होगी, FPM, अब वेलोसिटी कितनी होगी डक्टोलेटर से चेक किया हमने, 10 वेलोसिटी के बाद इक्विवेलेंट डक्ट डाया कितने का दिखा रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं आता उसमें है ना, इक्विवेलेंट डक्ट, इक्विवेलेंट डक्ट जो होता है सर्कुलर डक्ट की वैल्यू निकालता है, कितना आया 19 इंच। अब मेन हमारी जो डक्ट है हम तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर डक्ट लेके चलते हैं, तो उसके लिए नीचे यहाँ पे साइजिंग लिख के आ रही है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कोई एक वैल्यू देनी होगी, दूसरी वैल्यू अपने आप आ जाएगी, तो एक वैल्यू आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करनी होगी। जैसे मैंने डक साइजर में जाके यहाँ पे एक वैल्यू लिखी 18, मैंने यहाँ 18 लिखी, यहाँ पे अपने आप वैल्यू आ गई 18 पे, कितनी आ गई 17, मैंने यहाँ से 12 लिखा 12 पे कितनी आ गई 26, मैंने यहाँ से 15 लिखा 15 पे अपने आप 20 आ गई। एक वैल्यू लिखेंगे दूसरी वैल्यू अपने आप आएगी वो, ठीक है। अब एक आपकी हाइट होगी, जो स्मॉलर वैल्यू होती है उसको हम हाइट कंसिडर करते हैं, जो लार्जर वैल्यू होती है वो हम डक की विड्थ कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वैल्यूज नोट करनी होगी, तो उसके लिए ये हाइट हम अपने नाम दे देंगे, हमारे पास कितनी सीलिंग है,
हाई क्लियरेंस कितनी मिल रही है, मतलब आप मिनिमम उतनी सेटअप कर सकते हो ना। ठीक है, ग्रिल लगानी है तो उसके हिसाब से, ग्रिल तो आपके अलग साइज की आती है। अब विड्थ और हाइट हमारी मर्जी, हम कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन विड्थ और हाइट का एक एक्सपेक्ट रेशियो होता है। के पास होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, स्मूथ हमारा एयर फ्लो होगी, लेकिन जैसे 2:1 हुआ, 1:1 हुआ, तो 1:1 ज्यादा बेटर है माना जाएगा। 4:1 से कम रखना होगा, मतलब जितनी हाइट लेना है उसकी 4 times विड्थ से कम होनी चाहिए, उसकी 4 times से कम विड्थ होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे हाइट 6 इंच ही है तो विड्थ कितनी ले सकते हैं मैक्सिमम, उसके 6 times ज्यादा, 4 times ज्यादा ले सकते हैं। कम उस, लेकिन रखनी उससे कम ही है, ज्यादा बेटर क्या रहता है कि 1:1 का रेशियो चले। लेकिन 1:1 का रेशियो में हमें क्या होगा, डक्ट में अलग अलग साइजेस आ जाएंगे। हम कोशिश डक्ट डिजाइनिंग में ये करते हैं कि लेंथ विड्थ तो डक्ट की छोटी बड़ी हो जाए, लेकिन हाइट हम कोशिश करते हैं बराबर चले, जिससे नीचे का एक ही लेवल मेंटेन रहे डक्ट का, लगाने में आसानी रहती है उस तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए मैंने डक्ट टू लेटर में हाइट हमारी 18x18 का आ सकता था। यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं 18 डाल रहा हूँ तो 18x कितना आ रहा है, 17 की डक्ट डिजाइन नहीं होगी। इंडिया में डक्ट जो डिजाइन की जाती है इवन नंबर पे ही की जाती है, ऑड नंबर पे नहीं करते, तो 18x18 डिजाइन की जाएगी। लेकिन अगली जो डक्ट होगी वो जाहिर सी बात है इससे छोटी होगी, क्योंकि उसका CFM रिड्यूस हो जाएगा, तो मुझे हाइट में फिर चेंज करना पड़ेगा, तो मुझे रिड्यूसर लगाना पड़ेगा, और उसको डिफिकल्ट होता है थ्री आपकी जब विड्थ में भी चेंजेस करना हो और हाइट में भी चेंजेस करना हो। इसीलिए मैं हाइट को 18 ना लेके मैं कितना लेके चल रहा हूँ, 12 पे कितनी आ रही है, 26। ठीक है, तो 12 पे 26 हमारी डक साइज आ गई। तो मैंने इक्विवेलेंट डक आया तो 19 था, लेकिन डक की विड्थ कितनी ली हमने और हाइट, इसका रेशियो कितना हुआ, यही हुआ 2 point something आएगा, 2.3 इतना ही तो आएगा, 12 2 24 2 बचेगा, 12 12 2.1 के आसपास आएगा रेशो वन। 4:1 से कम है या नहीं है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। इसी चीज को आप इशरे से भी चेक कर सकते हो, कैसे हमारी यहाँ से डक्ट आई कितनी की, 18 diameter की आई थी यहाँ से, 2000 पे इंटरसेक्शन, यहाँ इसका 18 diameter वाले का हो रहा था। नीचे आते हैं आप यहाँ से, अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा है, सर्कुलर इक्विवेलेंट टू रेक्टेंगुलर डक्ट फॉर इक्वल फ्रिक्शन एंड कैपेसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे डायमीटर दे रखे हैं। ठीक, आपकी हाइट कितनी है, 12 पे आ गए,
यहाँ पे सर्कुलर डक्ट हमारी कितनी क्या रही थी, इक्विवेलेंट डक्ट 18 या 19 क्या रही थी, इसमें ढूंढो कहीं 18 या 19 आ रहा है, 19 आ रहा है। 19 पे दूसरा साइड कितना आ रहा है, तो एक साइड हम यहाँ से निकालेंगे, पिक करा, उसमें जो हमारी डक्ट इक्विवेलेंट डक्ट आई थी वो हमने चेक करी कितनी थी, और उसके इक्विवेलेंट दूसरी डक्ट का साइज यहाँ से कितना आ रहा है, तो आप इस चार्ट से भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास डक्टोलेटर नहीं है तो आप इस चार्ट से निकाल लोगे, लेकिन जनरली हम डक्टोलेटर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो डक्टोलेटर में एक वैल्यू डाली, दूसरी अपने आप आ गए। हाँ ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से नोट कर दिया। बहुत रेयर है, सब रेयर केस में हो सकता है, जनरली कम है। अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट सीएफएम कितना है, डॉक्टोलेटर पे चलते हैं। ये कैलकुलेट हो गया हमारा, यहाँ से आपने इसको क्लियर कर देना है, वापस से लगाना है। हेड लॉस कितना, 0.08। सीएफएम कितना है, 666। इसके लिए वेलोसिटी कितनी आई, ठीक है। इक्विवेलेंट डक्ट कितनी आई इसकी, अब इसके 12 पे कितना आ रहा है, इसीलिए मैंने हाइट पहले से ही कम ली थी ताकि रिड्यूसर जो है वो विड्थ वाइज रिड्यूसर लगेगा, हाइट वाइज रिड्यूसर नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा सीएफएम, सीएफएम देना वापस से, इन दोनों को हटाया हमने, वापस से दिया 0.08, और सीएफएम कितना है इसका, 1361। अब इसके लिए वेलोसिटी कितनी आ रही है, सेवन है ना, 937। इक्विवेलेंट डक्ट कितने की आ रही है, 16.3। और इसके 12 के लिए कितनी बैटरी है, 19। तो 19 तो लेंगे नहीं हम, कितने करेंगे, 20, 12। लास्ट कौन सी बची, 777। वही 12 पे 12। इक्विवेलेंट डक्ट कितने की आई, 13.2, और वेलोसिटी 816, 13.2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी इक्विवेलेंट डक्ट निकाल दी। इसका आ गया 1:1, 1.8:1, ये भी एक्सेप्ट हो गया, इसका आ गया 1:1। तो ये हमने अपने डक्ट के साइजेस निकाल दिए, ठीक है। तो ए से बी जो डक्ट का साइज हो गया वो क्या आ गया, 26 इंच बाई 12 इंच। अब ये एमएम में निकाल लेंगे हम, तो उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सीएफएम लिखना होगा, कितने सीएफएम आ रहा है, ए से बी के लिए 2227 था, ठीक है। और नीचे आपको इसकी डक का साइज लिखना होगा, 26 इंच बाई 12 इंच का मतलब क्या हो गया, 650 mm बाई 300 mm। फिर ये वाली जो डक गई इसका सीएफएम डक साइज, बी से डी का सी एफ एम डक साइज, डी से ई का सी एफ एम डक साइज, इसको हम कहते हैं एस एल डी, सिंगल लाइन ड्राइंग या स्कीमेटिक डायग्राम। आया समझ में, ठीक। डिजाइनर का काम इतना होता है कि हीट लोड निकालना, उसके बेसिस पे डक टू लेटर से डक की साइजिंग कर लेना, टेबल तैयार कर लेना, और उसके बिहाफ पे आपका एस एल डी तैयार कर देना। पहले आप इतना काम करिए इसके ऊपर, ठीक। आपको क्या करना होगा, ये काम आपको यहाँ करना होगा, एक
एक रेक्टेंगल बना के एच यू रखा, वहाँ से सिंगल लाइन से डक्ट निकाली, उनको उनके ऊपर क्या किया सी एफ एम और डक्ट साइजेस लोड कर दिया। क्लियर है? ये टेबल सर एक्सेल में बना लिया नहीं, एक्सेल में वैसे आपकी मर्जी है, आप चाहो तो एक्सेल में बना लो, इसी वाली शीट के अंदर बना लो आप चाहो तो। एक ही जगह आपका सारा रहेगा, कल को कोई रेफरेंस पूछते हैं तो आप वहाँ से बता सकते हो, है ना? या आपको किसी को भेजनी है फाइल, आपने ये एक फाइल भेजी उसके अंदर सारी फाइल्स थी, चाहे तो इसमें बना ली। ठीक है, आज समझ में? यस सर। इसको हम कहते हैं इक्वल फैशन मेथड से डक्ट साइजिंग करना।